सो नाउ वी आर डीलिंग विद मॉड्यूल क्वेश्चंस। देख लो तुम्हारे मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला शुरू के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। आई हैव टेकन आउट योर मॉड्यूल इश्यू ऑफ शेयर्स, इनिशियल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। इसमें जो क्वेश्चन करने लायक है, क्लास टेक्स्ट बुक का तो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया था, और इसमें जो करने लायक क्वेश्चन है दैट इज आई सेड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 मैं डिस्कस कर रहा हूं, जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लैक्स ऑफ 10 ईच ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैव बीन इश्यूड। अभी तक 6 लाख शेयर्स तो इश्यू कर भी चुके हैं और उसका पैसा भी आ चुका है, फुल्ली पेड हो चुका है, तो तुमको उसकी एंट्री पास करनी नहीं है। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इश्यू ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹14 पर शेयर, दैट मीन शेयर्स आर ऑफर्ड एट प्रीमियम। तो कंपनी 1 लाख शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को, एंड अरेंजमेंट क्या है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 5 बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो जो ₹4 प्रीमियम है ना, अरे ₹10 का शेयर जब 14 में इश्यू करे ₹4 प्रीमियम है, तो ये ₹5 में ₹4 तो प्रीमियम है, ₹1 ही नॉमिनल वैल्यू है। एंड फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल बैलेंस बोला है, तो अपने को क्या लगता है बैलेंस आता नहीं क्या निकालने को? ये 14 है, ये 2 है और ये 5 है, तो कितना हो गया? 7। समझा क्या? और यहां पे लिखेंगे 1+4। डिफिकल्ट ये नहीं था, यहां पे क्या है एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का मिला, बस ये खतरनाक चीज हुआ ना, कितना शेयर्स ऑफर किया, हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन 2,55,000, बराबर ना। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड व्हाट? Applied 5,000, allotted 5,000, no rejection, no refund. बराबर? Applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for how many applied? 2 applied पे 1, तो 1 rejected. बराबर ना? कितना shares है ये? 30,000 के applicants है ना? तो इनको 15,000 दिया होगा, 15,000 रिजेक्ट हुआ होगा, इनटू ₹2, 30,000, बराबर ना। और इसके बाद क्या बोला है, एंड नो मनी वॉज रिटर्न टू एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ये एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, क्लियर कट इंफॉर्मेशन। एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000, अभी 3,20 तो बचा है, तुम देखो ये सब को ऐड करोगे तो 3,55,000 हो जाता है ना। एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर्स का क्या किया, रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर हाउ मेनी शेयर्स अप्लाइड? 4 अप्लाइड पे 1 देने का, क्या बोलते हो? 4 पे 1 तो 3,20,000 पे ओनली 80,000, तो कितना रिजेक्ट? 240 रिजेक्ट, 240 रिजेक्ट इंटू 2, 480। अब क्या है ना, बात ऐसी है, नॉर्मली तो हम लोग पार्शली अलोटेड का क्या करते थे, पूरा अमाउंट एडजस्ट कर लेते थे, बट इधर नहीं कर पाएंगे। इसको अलोट कितना किया है? हाँ, तो जरा 80,000 पे अलॉटमेंट मनी कितना है, ₹5 था ना, 80,000 पे ₹5 मल्टीप्लाई करो, 4 लाख रुपीज लेने का है, तो ये 4,80,000 में से एडजस्ट खाली 4 लाख कर सकते हो कि मेरे को लेने का है, वो मैंने ले लिया, 4 लाख मैंने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद जो बच गया ना, वो अपने को रिफंड करना पड़ेगा, वो कॉल में मत ले जाना कि मैं तो मेरे पास ही रखूंगा,
प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलता रिफंड कर देने का, प्रॉब्लम बोले कॉल्स में एडजस्ट हो ही करना, तो ये रिफंड कर देने का अपने को, वी हैव टू रिफंड दिस। बोलो बच्चों समझा गया? तो 80,000 अपन रिफंड कर देंगे। ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें ऐसी सिचुएशन आई है, कोई फॉरफीचर नहीं, कोई रीइश्यू नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में दो बार पूछा, दो बार अमाउंट बदल बदल के, एक बार सेम एक बार बदल के। गॉट इट? देखो ना, बोला है ड्यू एन अलॉटमेंट रिटेन किया और एक्सेस, एक तो अलॉटमेंट के साथ बाद में एडजस्ट करने के बाद एक्सेस का क्या किया, रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, ये पैसा मिल गया प्रॉपर डेट को मिल गया, कोई फॉरफीचर नहीं, कोई रीइश्यू नहीं। मतलब ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट था कि रिफंड भी आ रहा है, ध्यान रखो देर इज अ रिफंड ऑल्सो, नथिंग एल्स, बस यही सिंपल था। चलो दैट्स इट, विल स्टॉप इट हियर।